हेलो फ्रेंड्स, रावे किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ टमाटर की तीखी मीठी चटनी। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए टमाटर। तो मैंने यहाँ 4 छोटे साइज़ के टमाटर को रफली काट लिया है। उसके बाद हमें चाहिए 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, थोड़े से गुड़, सूखी लाल मिर्च और भी कुछ चीज़ें चाहिए होंगी चटनी में डालने के लिए, तो हम आगे चटनी बनाते समय देखेंगे। तो आइए चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो पहले लहसुन की कलियों को थोड़ा इस तरह से रफली काट लेंगे। डालेंगे कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा सरसों तेल। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब राई दाना। राई जब अच्छे से चटक जाए तो इसमें हम डालेंगे सूखी लाल मिर्च। उसके बाद डाल देंगे लहसुन और अब डाल देंगे कटे हुए टमाटर और टमाटर के साथ ही डाल देंगे गुड़। अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। मिर्च पाउडर आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अब इन सबको एक बार अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के करीब चीनी। अब इसे अच्छे से मिलाकर 1 मिनट के लिए पका लेंगे। 1 मिनट बाद इसमें हम डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच काला नमक। काला नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिलाते हुए 1 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। उसके बाद ढक्कन हटाकर 2 से 3 मिनट या फिर टमाटर जब तक सॉफ्ट न हो जाए तब तक पकाएंगे। देख सकते हैं टमाटर हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। टमाटर को पूरी तरह से गलाना नहीं है, यानी टमाटर को इतना नहीं गलाना है कि वो देखने से ग्रेवी लगे। तो ये देखिए बनकर तैयार है हमारे टमाटर की बहुत ही टेस्टी खट्टी तीखी मीठी चटनी। तो फ्रेंड्स, आप भी एक बार अपने घर में इस तरह से टमाटर की चटनी ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही कम सामान में बहुत ही जल्दी बन जाता है और सर्दियों के मौसम में तो इस चटनी का स्वाद गरम गरम पराठे या पूरी के साथ और भी बेहतरीन होता है। तो एक बार इसे ज़रूर से ट्राई करें और आपकी चटनी कैसी बनी ये कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।